नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन राजनीति में किस तरह से लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से रंग बदलते हैं, उनकी दोगलापंती सामने आती है, ये भी आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो लोग कभी केजरीवाल के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, जिन्होंने केजरीवाल पर खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वही लोग कैसे गिरगिट की तरह आज रंग बदल रहे हैं और उसी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। राजनीति को बदलने का सपना दिखाकर केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री ली और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, लेकिन आज वक्त इतना बदल चुका है कि खुद अरविंद केजरीवाल किसी और मामले में नहीं बल्कि शराब घोटाला में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन है वो नेता जिन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलकर अपनी स्वर्गीय मां को भी दुख पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली के सीएम को जैसे ही ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया तो सारे बरसाती मेढक बाहर निकल आए और जो कभी अरविंद केजरीवाल के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, वो भी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र नहीं बता रहे हैं और अपना मुंह खोल रहे हैं, एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे तो कई सारे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया है, लेकिन उनमें से एक नाम है संदीप दीक्षित का। जी हाँ, ये वही संदीप दीक्षित है जो दिल्ली के सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। लेकिन आज अगर शीला दीक्षित जी इस दुनिया में होती तो संदीप दीक्षित की बयानबाजी और उनका केजरीवाल के लिए रवैया देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती, या यूं कहें कि गुस्सा भी हो जाती। लेकिन सोच कर देखिए, जो इंसान अपनी स्वर्गीय मां के स्टैंड से बिल्कुल अलग जाकर उनके ही सिद्धांतों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा हो और उस इंसान का समर्थन कर रहा हो जो उसकी मां को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और न जाने क्या क्या कहा करता था, ये संदीप दीक्षित के लिए बेहद ही शर्मनाक है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक ऐसे शख्स का साथ दे रहे हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त तो है ही, साथ ही उनकी स्वर्गीय मां के बारे में भी घटिया बातें कर चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के कट्टर आलोचक और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के विरोधी रहे संदीप दीक्षित ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाया है। उन्होंने केजरीवाल के परिवार के साथ मुलाकात भी की और इस घड़ी में परिवार के लोगों का सांत्वना भी बढ़ाया। संदीप दीक्षित के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है, हर तरफ उनकी थू-थू हो रही है। लोग शीला दीक्षित पर केजरीवाल की तरफ से लगाए गए आरोपों और निजी हमलों की याद दिलाते हुए संदीप दीक्षित को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। आप भी पहले सुनिए कि क्या कहा है संदीप दीक्षित। ना था, हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है, दिन में होता है, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें, इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए सवेरे, करिए जो कुछ करना करिए, आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते, ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। संदीप दीक्षित ने रात के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है, दिन में आते हैं, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, या कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आकर आप किसी के यहाँ गिरफ्तारी करें? पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं
चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, ईडी इसको चुनाव के साथ जोड़ रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं। मोदी सरकार का एजेंसियों का इस्तेमाल करना गलत है। आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव से पहले गला घोट नहीं सकते। मैंने बहुत से रेड देखे। रात को कहीं रेड पड़ती है क्या? आप सुबह आते, इनसे बातचीत के लिए बुला लेते, या कोई बात होती कि रात को 9 बजे 10 बजे आते हैं। रात के 9 बजे और सुबह 9 बजे के बीच क्या पहाड़ टूट जाता? इसलिए हम एकजुटता दिखाने आए हैं। जैसे ही संदीप दीक्षित का ये बयान सामने आया, उसके बाद जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने लगे। अब इनको कौन बुलाए कि बार बार बुलाने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए ईडी के सामने। और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर संदीप दीक्षित को वो क्या गया है, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यों इतनी शर्मिंदगी महसूस करवाने वाली बयानबाजी करें। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल और अन्ना हजारे की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन टीम को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ गैर जिम्मेदार निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि केजरीवाल और उनकी टीम ने शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगाए, लेकिन वो कांग्रेस नेता दीक्षित के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सके। मनुष्य का कर्म उनके सामने ही आता है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कई लोगों पर निराधार आरोप लगाए थे, अब वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वो और अन्ना हजारे गुट कांग्रेस के खिलाफ सबसे गैर जिम्मेदार निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए जिम्मेदार थे। उनके आरोपों की जद में मुख्य रूप से शीला दीक्षित थी। केजरीवाल ने कहा था कि उनके पास दीक्षित के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं। अब तक किसी ने उस सबूत को नहीं देखा। उनका कर्म उनको भारी पड़ गया है। इससे पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि पार्टी और उसके नेतृत्व की उनकी हालिया आलोचना के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा बुरी तरह से ट्रोल किया गया है। मुखर्जी ने कहा, जब से मेरे पिता पर किताब आई है, मैंने उनकी डायरियों और राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणियों से बहुत कुछ लिया है। उन्होंने यानी कि प्रणब ने कहा था कि वह राहुल अभी तक राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं और वह गंभीर नहीं लगते। हालांकि मेरे पिता ने कांग्रेस के बारे में बहुत प्रशंसा की है, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया और कांग्रेस सोशल मीडिया और कुछ कांग्रेस नेता मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर मैंने एक साक्षात्कार में यानी कि एक इंटरव्यू के बयान दिया था और मुझसे कांग्रेस के बारे में मेरे विचार पूछे गए थे। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं एक कांग्रेसी हूँ और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का अभी भी बहुत महत्व है, लेकिन कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित के बयान आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल ने भी संदीप दीक्षित की तारीफ करते हुए इसे शीला का संस्कार बता दिया। कांग्रेस सेवा दल की ओर से लिखा गया कि ये है दिवंगत शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी, जिन्हें केजरीवाल और उनकी टीम ने बदनाम किया था, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे, परेशान किया था, उनसे दुर्व्यवहार किया। तब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो वह उनके परिवार से मिले, उनको सांत्वना थी। यह कांग्रेस पार्टी और शीला जी के संस्कार है। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की है, जहां आज कांग्रेस के नेता दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं। वही कुछ समय पहले ही इसको लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायतें कर रहे थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस को शराब नीति मामले में शिकायत भी की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जून 2022 में तब दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखकर आप सरकार की शराब नीति की शिकायत की थी। उन्होंने यह पत्र नई नीति में कार्टेन बनाने और घोटाले को लेकर लिखा था। अनिल कुमार के लिखे पत्र में कहा गया कि कई कंपनियों ने नई शराब नीति के तहत अवैध रूप से ठेके पाए हैं और एकाधिकार बाजार तैयार किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई कंपनियों ने फर्जी कंपनियों के नाम से शराब नीलामी में हिस्सा लिया और बड़े अधिकारियों समेत मंत्रियों के कारण
ठेके भी ले गए। अनिल कुमार ने आरोप लगाया था कि नई शराब नीति के तहत एक कंपनी को दिल्ली के 2 जून में शराब बिक्री का ठेका दिया जा सकता है, जबकि एक कंपनी ने अलग अलग नाम धारण करके 4 जून में ठेके लिए। अनिल कुमार ने अपने पत्र में इस बात के सबूत भी दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि शराब नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शराब बनाने या उनकी थोक में बेचने वाली कंपनी को शराब खुदरा रूप से बेचने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जबकि इस नियम का भी उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि OASIS नाम की कंपनी के लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाकर सारे नियमों की धज्जियां उड़ा डाली। अनिल कुमार ने इस मामले में कहा था कि दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। कांग्रेस ने इसको दिल्ली में प्रदर्शन भी किए थे और तब आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी मांगा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कहा था कि मनीष सिसोदिया इन सभी भ्रष्टाचार वाली सौदेबाजी में लिप्त है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए 100 करोड़ शराब माफिया से लिए, इससे पार्टी फंडिंग हुई। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें 9 बार पूछताछ के लिए समन देकर बुलाया था। उन्हें नवंबर 2023 से लगातार ईडी समन भेज रही थी, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई कारण देकर इससे बचते रहे। उन्होंने ईडी की पूछताछ से बचने को हाई कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार किया। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर कल रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रात में ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर ली गई। उनकी पार्टी ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं। लेकिन जो भी हो, संदीप दीक्षित अपने बयान की वजह से बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।